अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए मैं आज बना रही हूँ आलू का रगड़ा, आलू का चाट जो कहते हैं, बाहर बाज़ार में जो मिलता है। मैं आज घर में बना रही हूँ, बहुत इजी वे में बना रही हूँ और बहुत ही टेस्टी बनता है। देखिए मैंने चने जो रहते हैं वाइट बटाना जो कहते हैं, उसको मैंने रात भर भिगो लिया था और सुबह उसको बॉईल कर लिया, नमक डाल के और चार आलू को भी मैंने बॉईल कर लिया, बड़े वाले आलू बिग साइज़ के लिए, और इसको पील कर लिया, इसका छिलका निकाल लिया। अब मैं इन सबको साइड में रख रही हूँ। मैंने लिया है कढ़ाई, अब मैं कढ़ाई में डालूँगी 1 टीस्पून ऑयल। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा डालना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 नॉर्मल साइज की ऑनियन, बारीक मैंने चॉप्ड कर लिया। देखिए ये फ्राई होते रहेगा जब तक मैं बनाऊंगी। इसमें पानी डालने के लिए मैं इसमें पानी जो डालूंगी, मैं नॉर्मल पानी नहीं, वाटर नहीं डालूंगी, मैं इसमें डालूंगी जो पानी पूरी जो गोलगप्पे का पानी जो होता है वो मैं बना रही हूँ, उसका पानी मैं डालूंगी। मैं आपको बताती हूँ, जब तक इसको फ्राई होने दीजिए थोड़ा। देखिए ये पानी पूरी मसाला, ये वाला यूज़ कर रही हूँ मैं, ये सूर्य का पानी पूरी मसाला है। बस एक ग्लास पानी में मैं 1 टेबल स्पून के ऐड करके रख लूँगी। देखिए मेरी ऑनियन भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। देखिए ऑनियन मेरी फ्राई, मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ फिंगर गार्लिक पेस्ट। बस मैं थोड़ा सॉटे कर लूँगी इसको। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। देखिए मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट और हल्दी अच्छे सॉटे हो चुकी है। मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ के टमाटे, इसको अच्छे से चॉप्ड कर लिया मैंने। इसको अच्छे से जब तक ये मैश हो जाए तब तक मैं इसको कुक करूँगी। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट। इसको अच्छे से मैश होने तक मैं कुक करूंगी। मैं 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दूंगी, 5 मिनट्स के लिए, इसको अच्छे सॉफ्ट होने के लिए। बस थोड़े से टमाटे मेरे सॉफ्ट हो चुके हैं, उसके और सॉफ्ट करना है मुझे। मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला। इन सबको अच्छे से फ्राई कर दूंगी। वन टी स्पून रेड चिली पाउडर।
बस उसको और थोड़ा सॉफ्ट होना है। 50% सॉफ्ट हो चुके हैं टमाटोज हमारे, और सॉफ्ट होना है इन्हें। देखिए मैशर से मैं इसे सॉफ्ट करूंगी। देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं टमाटोज। देखिए टमाटोज अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं इसमें ऐड करूंगी जो मैंने बॉईल करके रख लिया था वटानों को। और जो पटैटोस को मैंने बॉईल करके रखा था वो भी ऐड कर लूँगी इसमें। इन सबको अच्छे से मिक्स करूँगी मैं। अच्छे से मिक्स करूँगी। फ्लेम को लो रखिए आप, लो रख के मिक्स करिए। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं मैशर लेके उसको थोड़ा मैश करूँगी, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा करना है आपको। देखिए अच्छे से मैश हो चुका है, फिर भी आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। अगर मैश आपको कहीं भी नहीं लगा तो थोड़ा मैश कर लीजिए आप, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा मैश करना है। देखिए अच्छे से मैश हो चुका है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा मैश करना था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, मैंने लिया एक ग्लास पानी। इसमें मैंने मिलाया था पानी पूरी मसाला। अगर ये आप मिलाएंगे तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, वरना अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप बस नॉर्मल पानी भी मिला सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून चाट मसाला। वन टीस्पून आमचूर पाउडर खटास के लिए। 1 टीस्पून अगर आपको मिर्ची या नमक या कुछ भी कम लग रहा तो आप ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करिए। इसको हमें पकाना है लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। बस लो फ्लेम पे आप पकाइए, थोड़ा सा कुक करिए। मैं इसमें ऐड करूँगी और 1 ग्लास पानी ऐड करूँगी मैं, क्योंकि और 5 मिनट्स और कुक करना है हमें, 5 से 10 मिनट्स, तो कंसिस्टेंसी बहुत थिक हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ। और मैं टेस्ट और अच्छा करने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ इसमें बटर। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ऐड करिए, वरना कोई बात नहीं, ऑप्शनल है ये। और मैंने टेस्ट किया, मुझे थोड़ा सॉल्ट भी कम लगा, तो मैं इसमें ऐड करूँगी चाट मसाला और 1 टीस्पून।
और सॉल्ट। मैं मिर्च कम ही डाल रही हूँ, क्यों अगर आपको आपके स्वाद के हिसाब से आप डाल सकते हैं, टेस्ट के हिसाब से, डिपेंड ऑन योर टेस्ट। मैं बस कम डाल रही हूँ। इसको बस अच्छे से मिक्स कर दीजिए, लो फ्लेम पे रख के कुक करने छोड़ दीजिए। अगर आपको लग रहा है वटाने जो है हमारे ज़्यादा मैश नहीं हुए, तो आप अभी भी थोड़ा मैश कर सकते हैं। मैं 5 मिनट्स के लिए इसको कुक करने के लिए रख दूंगी। देखिए मैं पापड़ी बना रही हूँ चाट के लिए, आप चाहें तो रेडीमेड पापड़ी ला भी सकते हैं, मैं घर पर बनाई हूँ। मैंने लिया है थोड़ा सा एक बाउल में मैदा, मैदे में बस थोड़ा सा सॉल्ट डाल के मैंने मिक्स करके डफ जैसा आटा गूंथते वैसा गूंथ के रख लिया था। बस उसको अच्छे से बेल लिया मैंने, रोल कर लिया। मैं इसको फ्राई करने के लिए ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, मैंने इसको रोल कर लिया था। बारीक पतला सा आपको रोल करना है, ज़्यादा मोटा नहीं, पतला सा आपको रोल करना है और पापड़ी के साथ को फ्राई करना है। अगर आप चाहे तो बाज़ार से ला सकते हैं पापड़ी, पर मैं घर पे बना रही हूँ। मैंने रोल करने के बाद उसको फोक से थोड़े से डॉट्स डालिए ताकि वो फूले ना। देखिए अच्छे से ऐसा लाइट ब्राउन करना है आपको पापड़ी को। देखिए जो वटाने का चाट था रेडी हो चुका है, मैं इसको सर्व कर रही हूँ। मैं इसमें डालूंगी जो मैंने पापड़ी फ्राई किया था, वो पापड़ी ऐड करूंगी मैं। पापड़ी ऐड करिए और इसमें ऐड करी मैं ऑनियन, चॉप्ड ऑनियन। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कितना चाहिए आप ले सकते हैं। और मैं चॉप्ड टमाटोस, चॉप्ड कोरिएंडर, माइंड लीव्स, कोथमीर, पुदीना, दही, अगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं कर्ड, आपको कितना चाहिए आप डाल सकते हैं। इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून इमली की चटनी। अगर आपको चाहिए मिर्ची कम लग रही तो आप मिर्ची डाल सकते हैं थोड़ी सी, बस थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी, बस स्प्रिंकलूंगी चाट मसाला। मैं शाओ ये आपको सेम बाजार जैसा टेस्ट आएगा, बस आप घर पे बनाइए, बहुत मतलब क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, आराम से हम खा सकते हैं। बाहर जब खाते हैं तो पता नहीं हाइजीन होता है या नहीं, हेल्थ के लिए भी ठीक भी नहीं होता, इसलिए इतना हो सके आप घर पर बनाइए और बहुत टेस्टी बनता है और बहुत झटपट सा जल्दी से बन जाते। देखिए रेडी हो चुकी है हमारा आलू का चाट रगड़ा, ये बहुत टेस्टी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अल्लाह हाफिज़।